अगर आपको क्रिटिसाइज करना है ना तो पहले अपने आप को प्रूफ कर लो आप पहले वो प्रोकार्ड जीत के बताओ आप पहले ओलंपिया स्टेज चढ़ के बताओ उसके बाद में आपको जो बोलना है सब माफ हे एवरीबॉडी वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड और ये एपिसोड डेफिनेटली लास्ट वाले एपिसोड से कनेक्टेड है तो अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा मैं यहाँ ऊपर लिंक डाल देता हूं पहले वो एपिसोड देखो और उसके बाद ये एपिसोड देखो तो ही पूरा समझ में आएगा वो एपिसोड ज्यादा बड़ा ना हो जाए और हमारा टाइम लिमिट है दस से बारह मिनट का इसके लिए मैंने सोचा इसको दो वीडियोज में कन्वर्ट करेंगे तो वो एपिसोड था वाई इंडियन एथलीट टेक्स टाइम टू बिकम प्रो अब जो एपिसोड है उसका नाम है कि इंडियन प्रोज को इतना क्यों क्रिटिसाइज या इंडियन एथलीट को क्यों इतना क्रिटिसाइज किया जा रहा है आप लोगों को एक चीज समझनी पड़ेगी कि हिंदुस्तान के अंदर में जितने भी एथलीट है बॉडी बिल्डर है मेंस फिजिक एथलीट है क्लासिक फिजिक एथलीट है उनमें से 90 परसेंट लोग ट्रेनर है ट्रेनर जिम ट्रेनर पर्सनल ट्रेनर फ्रीलांसर ट्रेनर वो ट्रेनर है दस प्रतिशत लोग ऐसे जो कोई और बिजनेस में या शायद उनके माँ बाप के पास में बहुत पैसा वो कुछ नहीं करते बाकी नाइन्टी परसेंट लोग ट्रेनर है जब मैं भी जब था कंपटीशन चालू किया था तो मैं भी ट्रेनर था कुछ सालों पहले मैंने ट्रेनिंग छोड़ी लेकिन आज भी मैं ट्रेनर हूँ क्योंकि मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग देता हूँ उसके अलावा मैंने अपने बिजनेस में ध्यान दिया लेकिन हर कोई को वो मौका नहीं मिलता है कभी कभी किसी को मौका मिलता है लेकिन उनके पास में वो बोलते ना एक हिम्मत नहीं आती कोई आसपास के दोस्त लोग नहीं होते जो बोलते कि भाई तू कर ले कुछ नहीं होगा अच्छा होगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ये समझना पड़ेगा जब आप किसी भी प्रो को या किसी भी बॉडी बिल्डर को गाली देते हो इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे व्हाट्सएप पे जिधर जिधर मुझे तो मुझे तो कहाँ का घर मुझे तो लगता है बस खाली घर पे आना बाकी बाकी सब जगह आ चुकी है और मुझे ऑनेस्टली इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जिन इंसान के पास में इतना फुकट टाइम है कि वो आके मेरी माँ बहन के ऊपर गाली दे तो जिंदगी में कुछ काम का है ही नहीं लेकिन मैं ये उन लोगों को बता रहा हूं जिनको ये फर्क पड़ता है और जिन लोगों को ये समझना जरूरी है क्योंकि आपको पता है आपकी एक बैड कमेंट आपकी एक निगेटिव कमेंट आपकी एक गाली किसी इंसान को डिप्रेशन में डाल सकती है आप लोगों को कभी ये समझ में नहीं आता है? आपको तो क्या मस्ती की डाल दिया ओ यू आर फैट यू लुक लाइक दिस यू लुक शेट यू लुक दिस ये तेरा कुछ नहीं होगा वो जनता का प्रॉब्लम ये है स्पेशली फिटनेस इंडस्ट्री में कि लोगों को क्या लगता है कि अगर कोई इंसान जीत के आया भाई इसकी सेटिंग थी कोई इंसान नहीं जीता भाई तेरे से कुछ होने वाला ही नहीं है भाई एथलीट करे तो क्या करे आप बताओ करे तो क्या करे मुझे इसका जवाब दे दो कोई इंसान जीतता है भाई इसका है ना उससे अच्छा कनेक्शन है इसके लिए जीत गया इसका है ना कोच जजिंग में बैठा था इसके लिए जीत गया यानी क्या क्या लोग लिखते हैं यार ऑनेस्टली मैं पढ़ना ही बंद कर दिया मैं कुछ कुछ कमेंट है जो मुझे अच्छे लगते हैं जैसे सिद्धेश महाराज स्टूडियो फाइव वाले मुझे बोलते भाई देखो इसने बहुत अच्छा कमेंट किया हमें लगता है आपको रिप्लाई करना चाहिए तब मैं जाके दिखता हूँ मैंने बोल क्यों अभी यूट्यूब पे कोई मुझे गाली नहीं दे रहा तो उसके लिए थैंक यू लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि प्लीज आप ये सोचो एक ट्रेनर उसको अपना घर चलाना है क्योंकि वो सोलो रिस्पॉन्सिबल है उसकी मम्मी उसके डैडी अगर उसकी बहन है भाई है छोटा वो सोलो रिस्पॉन्सिबल है टू मेक मनी इन हिस फैमिली वो बेचारा मेहनत करता है पचास साठ सत्तर अस्सी हज़ार लाख रुपए कुछ स्पॉन्सरशिप से आ रहा है कुछ ट्रेनिंग से आ रहा है वो सारे पैसे जमा करके अपनी फैमिली को एक बेटर जिंदगी देने के लिए जब इंसान प्रो बन जाता है या फिर कोई भी बड़े लेवल पे कंपटीशन खेलता है तो कंपटीशन की तैयारी में लाखों रुपए लग जाते हैं नॉट जस्ट वन लाख लाखों लग जाते हैं प्लस उसकी ट्रिप में ट्रैवल में लाखों रुपए लग जाते हैं तो आप लोगों के लिए बोलना बहुत आसान है लेकिन एक कंपटीशन मुझे बताओ क्या इंडिया में कभी प्रो शो हुआ है मेन्स फिजिक का आपने कभी देखा है तो सबको तो बाहर ही जाना है मेन्स फिजिक के लिए क्लासिक फिजिक के लिए सबको बाहर जाना है बॉडी बिल्डिंग एक का एक बहुत है लेकिन अभी भी बॉडी बिल्डिंग के लिए बाहर जाना है तो भाई बंदे को प्रेप करने के लिए कम से कम तीन से चार लाख रुपए चाहिए ट्रैवल करने के लिए चार से पांच लाख तो यानी कि ऑन एन एवरेज उसको आठ से दस लाख रुपए चाहिए एक शो खेलने के लिए अगर वो थोड़ा स्मार्ट बंदा रहेगा तो वो एक ही बार में जाएगा दो तीन शो खेलेगा तो भी वो दो तीन शो के लिए जो गैप होता है ना दो तीन वीक का वो रुकने के लिए एक डेढ़ लाख रुपए लगते तो आठ से बारह लाख रुपए अगर वो लगाएगा तो दो तीन शो एक बार में खेल के आएगा और एक शो के लिए जाएगा तो आठ से दस लाख रुपए में रिटर्न आएगा मुझे बताओ आठ से दस लाख रुपए कमाना आसान है एक ट्रेनर के लिए आप लोग तो बस कमेंट लिख देते हो कि यार तेरा ऐसा उससे कंपेयर किससे अमेरिका वालों से यार उनकी जिंदगी कभी देखी है मैं आप लोगों को है ना बताता हूं कि ओलंपिया में कितने एथलीट कंपीट करते मेंस फिजिक के अंदर थर्टी फाइव फोर्टी क्यों आप सिर्फ टॉप फाइव के नाम याद रखते हो कभी आपने उनकी जिंदगी देखी जो पैंतीस से बेचारे कैसे स्ट्रगल कर रहे क्या उनके पास खाने के पैसे है या नहीं क्या उनके पास जॉब है या नहीं क्या उनके पास क्लाइंट है या नहीं क्या उनके पास स्पॉन्सर है या नहीं यहाँ पे बड़ा लिखना बहुत अच्छा लगता है चार पांच नाम देख लिया आपने आपको पता ही नहीं है जिंदगी में क्या हो रहा है उनकी मैं बताना नहीं चाहता लेकिन ऐसे ऐसे लोग हैं जो ओलंपिया स्टेज पे टॉप रैंकिंग पे आए उनके पास में स्पॉन्सरशिप नहीं है तो क्या करें क्योंकि आपको तो इंस्टाग्राम पे सब कुछ अच्छा दिखा आपके कंपेयर अरे इसकी जिंदगी देख और उसकी जिंदगी देख इसका डेडिकेशन देख और उसका डेडिकेशन देख ऐसा नहीं होता है वो बेचारा डेडिकेटेड है लेकिन उसके पास में मौका नहीं है अपॉर्चुनिटी नहीं है और अपॉर्चुनिटी इसलिए नहीं है बिकॉज उसके पास में फाइनेंस नहीं है दो साल से पूरा इंडिया बन पड़ा है आप इंडिया के बाहर नहीं जा पा रहे हो लोगों को बाहर जाने के लिए पैसे नहीं है ट्रेनर्स को इनकम नहीं है कुछ कुछ एथलीट ही है जो पैसे बना पा रहे बाकी तो आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि, कि किसी एथलीट का घर कैसे चल रहा होगा किसी एथलीट की फैमिली कैसे सरवाइव कर रही होगी तो मेरा बोलने का मतलब ये जो जितने लोग भी क्रिटिसाइज करते हैं ना कि इंडियन एथलीट काम नहीं करते मेहनत नहीं करते डेडिकेटेड नहीं है वो जेड जो 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 भी बोलते हैं तो जब आप ये सारे कमेंट लग, लिखते हो ना तो आपको लिखना बहुत आसान रहता है लेकिन मैं आप लोगों को एक कमेंट देना चाहता हूँ जो लोग ये लिखते हैं स्पेशली उनके लिए कि भाई अगर आपको लगता है ये इतना आसान है अगर आपको लगता है कि मिठाई की दुकान पर जाके आधा किलो मिठाई लेने जितना आसान है तो क्यों आप नहीं खेल लेते भाई जब आपको इतना नॉलेज है कि आप दो एथलीट में फर्क बता सकते हो तो आपने जिंदगी में कभी सिक्स पैक एप्स क्यों नहीं लाए आप कभी प्रो शो खेलने के लिए क्यों नहीं गए आप कभी प्रो क्वालिफायर खेलने के नहीं गए आप कभी मिस्टर इंडिया क्यों नहीं बने क्योंकि आपको बनना नहीं है आपको तो बस इसकी सुना उसकी सुना इसका देखा लिख दिया रिसर्च करी कभी कुछ सोचा नहीं सोचा तो बात यह है कि किसी को भी क्रिटिसाइज करने से पहले यह सोचो कि अगर आप किसी के ऊपर एक उंगली उठाते हो ना तो तीन आपके ऊपर भी आती है फिलहित ने बोला था अगर आपको क्रिटिसाइज करना है ना तो पहले अपने आप को प्रूफ कर लो आप पहले वो प्रो कार्ड जीत के बताओ आप पहले ओलंपिया स्टेज चढ़ के बताओ उसके बाद में आपको जो बोलना है सब माफ पहले आप खुद तो करो किसी को कमेंट करने से पहले आप खुद तो करो किसी के आप कंपेयर करने से पहले खुद की तो बॉडी कंपेयर कर लो ये वीडियो देखने के बाद में जाके मिरर में कभी शर्ट उतार के देख लेना ये उन लोगों को बोल रहा हूँ जिन्होंने एथलीट की डिसरिस्पेक्ट की कोई भी एथलीट की चाहे मेरा दोस्त हो ना हो मेरी दुश्मनी हो मेरी दोस्ती हो मेरा जानने वाला हो ना जानने वाला मैं सारे इंडियन एथलीट की बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तो भाई एथलीट से ट्रेनर से बड़ा लगा हुआ है मैं नहीं सुन सकता इनके बारे में मुझे नहीं फर्क पड़ता लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको फर्क पड़ता है तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है अपने माँ बाप का नाम मत डुबाइए अच्छा काम करिए अगर आप कुछ गलत नहीं बोल सकते तो किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते तो उनको बुरा मत बोलिए किसी ने आपके सर पे बंदूक नहीं रखी कि भाई जाके कमेंट कर दे अच्छा नहीं लिखना है तो गटर हग दे वहां पे किसी ने नहीं, नहीं बोला है ठीक है अगर आपको हगना ही है ना तो पहले जाके आप अपना कैलिबर चेक कर लो क्या आप क्या कर सकते हो आप उसका फिफ्टी परसेंट भी अचीव कर सकते हो क्या पहले ये देखो उसके बाद किसी को भी लिखना तो खैर ये वीडियो यहीं पर रखते आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी और ये वीडियो से कुछ अच्छा मैसेज मिला होगा सॉरी थोड़ा सा सीरियस हो गया टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली बहुत जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना कमेंट में जरूर बताना वीडियो कैसी थरूर जरूर जरूर बताना बिकॉज मैं खुद इसके सारे कमेंट पढ़ूंगा मैं जानना चाहता हूँ और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि कितने लोग गाली देंगे क्योंकि वो तो मुझे पता है एक दो चार तो मिलेंगे ही मिलेंगे वेल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना दिल करे तो नहीं करे तो दुआ में याद रखना टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली जय हिंद